बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ने नगर निगम में पनप रहे घोटाले की खबर आप तक पहुंचाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे नगर निगम का ये घोटाला खुद खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज ने पकड़ा। बहरहाल अनिल विज सहित अम्बाला की उपायुक्त की माने तो नगर निगम के जांबाज अधिकारियों ने कूड़ा कलेक्शन का ठेका ऐसे ठेकेदारों को दे दिया जिनसे ना तो यह किसी तरह की शर्तें ही टेंडर में लिखवा पाए और ना ही वह इस टेंडर में यह लिखवा पाए कि ठेकेदार डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए कितने आदमियों को काम पर लगाएगा। टेंडर में यह भी नहीं दर्शाया गया कि इस काम के लिए कितनी मशीनरी का इस्तेमाल होगा और लोगों के घरों से कूड़ा उठा है या नहीं उठा, इसके लिए भी स्थानीय नागरिकों या कोई सोशल ऑडिट टीम द्वारा इसका प्रमाण पत्र देने की बजाय सेनेटरी इंस्पेक्टर की सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र बना दिया गया। इस टेंडर में जनता के हित के लिए भले ही कोई शर्त रखी गई हो या ना रखी गई हो, लेकिन निगम के अधिकारियों ने अपने किसी चहेते को टेंडर देने के लिए सारे नियम और कानूनों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट देने के बाद ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान कितनी सी आसानी से हो इसका ध्यान जरूर रखा। ठेकेदार काम करे या ना करे, उसे उसके पैसे मिलते रहे, इसके लिए भी टेंडर की शर्तें लिखने वालों ने उसमें यह शर्त डाल दी कि पूरे जिले की सैनिटरी इंस्पेक्टर अगर अपनी सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट दे दे तो ठेकेदार को उसके पैसे दे दिए जाए। यह सब हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं जिन्होंने इस पूरे गोरख धंधे को लेकर इसकी जांच के आदेश दिए। नहीं, उसके लिए उपायुक्त ने जांच करवाई थी, उसने तो जाकर देखा कि जो टेंडर की शर्तें हैं वही सारी गलत बना रखी हैं और वो सारी की सारी ठेकेदार की सहूलियत के लिए बना रखी हैं। उसमें कहीं कोई ये शर्त नहीं रखी हुई कि वो कितने कर्मचारी रखेगा, कहीं कोई ये शर्त नहीं रखी हुई कि कितने वाहन रखेगा। केवल उसमें एक बात लिखी हुई है कि अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर लिख के दे देता है कि हाँ मैं सफाई से संतुष्ट हूँ तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी, लिहाजा उसको 1,26,000 रुपये की पेमेंट ये करते रहे। तो वो सारा मामला संज्ञान में आया है, डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हरियाणा के दबंग मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में उपायुक्त अम्बाला को जांच के आदेश दिए तो उपायुक्त अम्बाला ने इस पूरे प्रकरण की जांच की तो पाया कि जो आरोप अनिल विज लगा रहे हैं वास्तव में ही वह पूरी तरह ठीक है। देखिए, जो सफाई व्यवस्था है शहर में उसका हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, तो उसी संदर्भ में मुझे काफ़ी शिकायतें मिल रही थी अखबारों के थ्रू भी और लोगों के थ्रू भी। तो इसी उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाई थी कि जिसमें ये हमने जानने की कोशिश करी कि कितने कर्मचारी ठेकेदार ने लगाए हुए हैं, कितने उनके पास सामग्री है, कितना उनके पास व्हीकल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो जब ये जांच करी गई तो ये सामने आया कि ऐसी कोई भी शर्त कंडीशन ठेकेदार के ऊपर नहीं लगाया गया है कि उसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं रखने हैं या कुछ नंबर क्या इक्विपमेंट उसको रखना है, कितनी गाड़ियां रखनी हैं, रेडियां रखनी हैं। बहुत ही ओपन एंडेड जो टेंडर है शर्तें हैं वो छोड़ी गई थी और जो एकमात्र जो एक जिस पे पेमेंट की का जो जरिया है वो है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की सेटिस्फेक्शन कि अगर सफाई व्यवस्था ठीक है सैनिटरी इंस्पेक्टर के हिसाब से तो उसको पेमेंट कर दी जाती है ठेकेदार को। तो ये बहुत ही लूज़ है और बहुत ही आर्बिट्री कंडीशंस हैं। तो इसकी क्योंकि फिर वो दृढ़ता से पालना नहीं होती है और ठेकेदार भी अपनी मनमर्जी करता है और सफाई व्यवस्था का पूरे शहर में बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो ये कुछ पॉइंट सामने आए थे, तो आई हैव रिक्वेस्टेड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज कि इस मामले में वो गहनता से इसकी जांच करें। कितनी राशि जो है वो चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर के साइन पर निकाल ली गई और इस काम के लिए, जबकि उसके अंदर जो है किसी और अधिकारी के साइन नहीं थे? सैनिटरी इंस्पेक्टर तो नहीं राशि दे सकता, वो तो कॉरपोरेशन कमिश्नर ही जारी करते हैं, बट सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर की लगती है। कोई इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनकी संतुष्टि का कुछ मापदंड नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ें जो हैं ठेकेदार के ऊपर ही छोड़ रखी हैं। 1,26,00,000 रुपये निकाला गया था
हाँ, 1 करोड़ 1 करोड़ 67 लाख इसको पेमेंट करी जाती है। अलग अलग ठेके हैं 3 और उनको अलग अलग पेमेंट्स होती हैं तीनों को। लेकिन कहते हैं कि अगर सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, यह कहावत अंबाला नगर निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर साधुराम पर बिल्कुल स्टीक बैठती है, क्योंकि जब हमने नगर निगम और उनके विभाग सहित उन पर लगे आरोपों और पर उनसे बात की तो उन्होंने उपायुक्त अंबाला की रिपोर्ट सहित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ही झूठा साबित कर दिया और बड़ी दबंगई से डोर टू डोर कलेक्शन के ठेकेदार को बचाते हुए साफ कहा कि ठेकेदार साहब पूरी तरह से कायदे और नियमों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से शहर से कूड़ा उठवा रहे हैं। वह यह बयान देते हुए यह भी भूल गए कि जनाब, जिस जिले में आप नौकरी कर रहे हैं उस जिले की उपायुक्त ने ही अपनी जाँच में उनके विभाग के इस घोरक धंधे को पकड़ा है। जो 1 करोड़ 26 लाख रुपए आपके हस्ताक्षर से निकले हैं, वो किस अकाउंट से निकाले गए थे और क्या लोन लिया गया था उसके ऊपर? वो अकाउंट्स का मैटर है, उनसे संबंधित है, वो मेरे से नहीं है संबंधित है। लेकिन रिपोर्ट आपने किया था उस पर? रिपोर्ट तुम्हारी पेमेंट के लिए होती है, वो वर्क कैसा है उसके लिए होती है। रिपोर्ट दी थी आपने? उन्होंने दी थी, ऐसा ही है ना, और वो सब ने दी थी। लेकिन जब डीसी ने काउंट किया तो पूरे क्यों नहीं मिले लोग? ना, लोग तो पूरे थे, एरिए में कई जगह रह रहे थे, आदमी पूरे हैं, कभी गिन लो उनका साहब। सारी लिस्ट हमने मंगा ली है, ट्रैक्टर ट्रॉली की लिस्ट मंगा ली है, सारा जो रिकॉर्ड था वो ठेकेदार ने प्रस्तुत कर दिया है। बिल्कुल ठीक है रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड ठीक है जी। तो डीसी या अनिल भी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं? ना, गलत तो क्या है, कहीं कमी होगी जब लगाए हैं रोक तो। वो कह रहे हैं कि आदमी जो है वो पूरे नहीं है और टेंडर के अंदर जो है वो ये भी नहीं दे रखा गया कि कितने लोग जो है वो काम करेंगे। वो तो डीसी मैडम पे इंक्वायरी है, इंक्वायरी में जो भी वो छानबीन होगी, कितने आदमी हो तो पूरे छानबीन में ही आऊँगे। लेकिन आप क्लीन चिट दे रहे हैं ठेकेदार को? ना, क्लीन चिट तो मैं कह दे रहा हूँ, आदमी तो लग रहे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लग रहे हो, बाकी जो इंक्वायरी में आओगा वो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नगर निगम का ये घोटाला वाकई ही चौंका देने वाला था, लिहाजा उपायुक्त अंबाला ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे घोटाले में कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं जिनका इस सारे गोरख धंधे में हाथ हो सकता है। डीसी अंबाला शरणदीप कौर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के तथ्यों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर दिए गए टेंडर में साफ तौर पर हेराफेरी की गई है। मामला गंभीर है और रसूखदार लोगों से जुड़ा है, लिहाजा इसकी जानकारी खट्टर दरबार को भी दी गई। इस मामले में अब प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें अलग अलग जिलों के 5 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त की रिपोर्ट में दिए गए तथ्य अगर सही पाए जाते हैं तो यह निश्चित है कि ठेकेदार के साथ साथ निगम के वो अधिकारी भी नपेंगे जिन्होंने इस टेंडर को पास करवाने में अपनी कलम और कुर्सी दोनों का इस्तेमाल किया है। सारा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को सफाई कहाँ नजर आ रही है, जब जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह सारा शहर शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, तो अब वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश पर डायरेक्टर लोकल बॉडी ने एक 5 सदस्यीय टीम नियुक्त की जो मामले की जांच के लिए अंबाला नगर निगम पहुंची। निगम में उन्होंने डोर टू डोर टेंडर से संबंधित सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया, बैंक खातों से निकाली गई करोड़ों की राशि का भी हिसाब लिया गया। टीम के मुखिया रोहतक नगर निगम के कमिश्नर की माने तो इस मामले की पूरी जांच के लिए अभी 2-4 दिन का समय और लग सकता है, लिहाजा उस पूरे प्रकरण में हुए गोरख धंधे का पूरा खुलासा वो जांच के बाद ही करेंगे। इस संबंध में जो सैनिटेशन का मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है, इस मामले का ये इशू है, इससे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट कलेक्ट कर लिए गए हैं और उनको हम स्टडी कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, इसमें हमारे चीफ इंजीनियर और 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक
अकाउंट फंक्शनरीज का, यूएलबी हेडक्वार्टर का ऑफिसर इसमें शामिल हैं, तो इसको हम एक बार स्क्रूटनाइज कर रहे हैं रिकॉर्ड को, और सभी हमारी जो एडवर्टीजमेंट थी टेंडर की जो शर्तें थी, और इसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट अमंगस्ट बोथ द पार्टीज जो एग्जीक्यूट हुआ था, क्या आगे जो फर्दर इसका जो कार्रवाई है, जो सैनिटेशन का वर्क है, दैट इज बीइंग टेकन इन कॉन्सोनेंस विद द एग्रीमेंट और अदरवाइज। डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडी से हैं ये हम, और डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन है उसके रिगार्डिंग जो है ना रिपोर्ट्स चेक करने के आदेश हुए हैं हमारे, वही चेक कर रहे हैं।